अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी माय मसरदार बलोच, और आज मैं आपके साथ कुछ डिफरेंट शेयर करने वाली हूँ। टाइटल से आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा। सो इट्स माय फर्स्ट ईदी आफ्टर माय रिश्ता पक्का, एंड मैंने सोचा है कि मैं कुछ मीठा बनाऊंगी, तो हम चलते हैं और कुछ मीठा बनाते हैं, क्योंकि कल वो लंच पे आ रहे हैं और परसों ईद है, वो मीन्स मेरे ससुराली। इट्स वेरी वियर्ड टू से समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट्स समथिंग रियली वियर्ड। तो लेट्स गो एंड प्रिपेयर सम स्वीट। सोच रही हूँ कस्टर्ड बना लूँ, क्योंकि पुडिंग का सिर्फ एक बॉक्स पड़ा हुआ है और वो आई थिंक इनफ नहीं होगा। तो चलते हैं कस्टर्ड बनाते हैं। और रात की इस टाइम को 3 बज रहे हैं इस्लामाबाद में, और बहुत तेज़ बारिश है। मेरे बेचारे बकरे की बहुत बुरी हालत है। पहले मैं आपको अपने बकरा दिखाती हूँ, जिसको मैंने बहुत छुपा के खड़ा किया हुआ है। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था, उस बेचारे की हालत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो डर रहा था। मैंने उसको शेड के नीचे खड़ा किया, तो वो काफ़ी डर रहा था कि इतना शोर है। मैं अभी आपको डिटेल्स यहाँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, तो मैं बारिश में बोलूँगी, क्योंकि शेड पर पानी पड़ रहा है तो आवाज़ सही से शायद ना आए। तो आई डोंट नो, वो डर रहा है उसको क्या है, लेकिन मैंने उसको खाना वगैरह सही खिलाया है, उसको पानी वगैरह रखा भी है बारिश में भी, बट स्टिल मैंने उसकी जगह से दोबारा साफ की, नहाई मैं। और अब मैं सोच रही थी कि मैं मीठा बनाऊँ, और रात के कोई 2-3 बज रहे हैं इस टाइम, और लेट्स गो। पहले बकरा दिखाती हूँ, फिर हम कुछ मीठा बनाते हैं। इस टाइम कहाँ है, क्योंकि मैं इसके चक्रों में फंसती थी। देखें इसको, खाना खिलाया हमने इसको, मैंने इसकी, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसकी रस्सी टैग के साथ बांध ली है। अब हम इसको खुला यहाँ नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये हाँ ना टैंक है पानी का, अगर मैं इसको छोड़ूँ तो ये पूरी गैलरी गंदी कर देगा, और ये पानी टैंक के अंदर जो पानी है वो हम अपनी टैप वगैरह वॉशरूम किचन में यूज़ करते हैं। इसको अब हमने यहाँ वॉशिंग मशीन के साथ रखा हुआ है। मैं ओ ओ ओ ओ ओ ओह नाइस, चलिए हम मीठा बनाते हैं, इसको तो देख लिया है ना आपने। आई डिसाइडेड कि कस्टर्ड बनाएंगे, लेकिन ये बहुत ही लिक्विड ही ज़्यादा हो गया था। सिंपल कस्टर्ड बनाया था मैंने, इसमें सिर्फ इलायची डाली है मैंने, फिर उसको थोड़ा सा डेकोर करने के लिए मैंने ब्रावो बिस्किट डाला, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैंने डिसाइड किया कि आज मैं ये वाला ग्रीन कलर की ड्रेस पहनूंगी। इसकी सारी डिटेल्स जो है वो इंस्टाग्राम पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। ये ड्रेस कुछ इस तरह से लगता है, इट्स नॉट कॉटन ना ही लॉन है, कोई डिफरेंस है, स्टफ़ है इसका। आई वेंट फॉर फ्रेंच ब्रेड क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। ग्लिटर शाइनी सा हाइलाइटर जो था मैंने आईलिड्स पर लगाया था, ऑरेंज टॉप्स पहने थे, और फिर जब मेरे ससुराल वाले आए तो मैंने उनको टैंक दिया। अम्मी ने उनके लिए चिकन का सालन बनाया था, वो मेरे लिए पिज़्ज़ा लाए थे और भी बहुत सारी चीज़ें लाए थे। देन दे हैड अ लंच, हमने लंच किया सब ने मिल के। फिर ये ईदी है मेरी, एंड ये मैं कल आपको पहन के दिखाऊंगी अपने ईद व्लॉग में। ये 2 बास्केट्स थी, साथ में उन्होंने पिज़्ज़ा और पेस्ट्रीज भी दी हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई नो आपके दिल में बहुत सारे सवाल हैं कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया, मुझे खुद समझ नहीं आई कि इतना जल्दी सब कुछ कैसे हो गया। इसको लाइक रिश्ता हुए भी लाइक अभी सिर्फ हफ्ता डेढ़ हुआ है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ईद आ गई थी, एंड मेरी शादी के क्या प्लान्स हैं ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ आपको पता चलता जाएगा। रिगार्डिंग कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, जो भी क्वेश्चन है आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी बहुत सारे व्लॉग्स जो है वो स्केड्यूल हुए हुए हैं इसके बाद भी जो अपलोड होने हैं, तो वो भी अपलोड होते जाएंगे। बीच बीच में मैं आपके जो क्यों नहीं होंगे उसका भी एक ब्लॉग बनाऊंगी, तो इसलिए अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो के, या मेरे इंस्टाग्राम में जाके DM कीजिएगा।
और सेकंड थिंग ये कि मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफ़िज़.